डिस्क्लेमर, दिस वीडियो कंटेन्स सम अब्यूसिव लैंग्वेज एंड इट कम अंडर गाइडलाइन 107। तो मेरे भाइयों और उनकी बहनों, उम्मीद भी नहीं करता होगी सही हो गया यार, और सही हो गए भी कैसे, हर जगह टिकटॉक वापस आ गया, टिकटॉक वापस आ गया चल रहा है, वो भी जुकू भाई के साथ। और जुकू भाई ने, यानी मार्क जुकरबर्ग भाई ने, भाई अपने रास्ते में जा रहे थे भेलपुरी के ख्वाब देखने के बदले, सोच रहे थे भाई मार्केटिंग कैसे बढ़ाए, और तभी उनके सामने टिकटॉक थैली लेके खड़ा हुआ था और बोला, इंडिया से मेरे को बेदखल कर दिया, तो अब मैं क्या करूँ बताया ज़रा जुकू भैया। और जुकू भाई ने फिर अपने एक अच्छे नेक दिल के हिसाब से हाथ फैलाए और फिर बोला, आ ले ले मेरा गला, गला गले, समझा करो यार, ज़्यादा सोच रहे हो ठीक है, और बोले ले ले मेरा, तो वो आके रख गया और फिर के फिर हसी रात हो न हो। और उस समय प्रोडक्शन हो गया रील्स का, चलो हो गया तो हो गया, अभी चलो कुछ अलग कंटेंट बना देते, कुछ क्रिएटिव बना देते, लेकिन नहीं, यहाँ पर भी वही फेशियल एक्सप्रेशन और रोना धोना और हम लोग को जलाना, इसके अलावा उन लोग कुछ आता भी नहीं है यार इनको। अरे ये लोग शायद मेरा वीडियो नहीं देखे यार, प्लीज़ शेयर कर दो इनके, तो पहुंचाओ मेरा पहला वाला वीडियो जब बनाया था, शेयर करो यार। चलो नहीं तो ये सब छोड़ो, अभी इनके वीडियोस या रील्स के ऊपर थोड़ा नज़र घुमाते हैं। देखो यार एक बात बोल रहा हूँ, किसी का मत बोलना, मैं हूँ निहायती सिंगल ठीक है, मैं हूँ निहायती सिंगल, और अभी लॉकडाउन चल रहा है, और लॉकडाउन में अगर ये लोग ऐसा वीडियो बनाएंगे तो हम सिंगल लौंडों का साथ पड़ेगा, तुम्हें समझ रहे हो, सबका पड़ेगा, सिंगल लौंडे आ जाओ साथ में मिलकर ठोकेंगे, अच्छा बात नहीं है ये, तुम लोग अच्छा नहीं कर रहे हो। चल भाई अभी दूसरा वीडियो लगा। फिर से वही बकचोदी, मैं इनको बोला था लगता है ये लोग मेरा फर्स्ट पार्ट नहीं देखे, इनको जाके दिखाओ, इनको मैं बोला था अगर फिर से ये बकचोदी करेंगे तो उनके गान में गोली मार दूंगा। चलो अभी दूसरा वीडियो देखते हैं। ये इन जैसे लोगों की बकचोदी की वजह से 5-5 किलो 6-6 किलो यार पाउडर ख़त्म हो रहा है यार मेरे घर में। भाई मैं अभी अभी ग्रोसरी गया था, उसने अंकल पाउडर है क्या, वो बोला नहीं रे बेटा, वो एक दिन पहले एक बंदा आया था पूरा 5 किलो लेके चला गया, मुझे पता चल गया तो टिकटॉक वाला है, ओह सॉरी यार रील्स वाला है। तो यार इसीलिए बोलना चाहता हूँ भैया लोग या दीदी लोग, प्लीज़ यार हम लोग के लिए भी थोड़ा छोड़ दो, काहे रोल कर रहे हो इतना, आराम से करो यार, पाउडर पाउडर मैदा उड़ा दो मैदा, नहीं नहीं वो तो खाने का बेइज्जती नहीं, खाने का बेइज्जती नहीं, दूसरा कुछ उड़ाओ यार। हाँ तुम लोग नॉर्मल पाउडर के अलावा और एक पाउडर यूज़ कर सकते हो, जिस पाउडर का नाम है ब्लीचिंग पाउडर, भाई सही में क्या काम करता है भाई, मेरा वो जो क्या हरा हरा हो गया था ना वो जगह, क्या बोलते उसको नहीं पता, तो मैं उसको डाल दिया फिर साफ कर दिया यार, पूरा साफ हो जाता है, वैसे यार तुम्हारे जब मुंह में लगे आहा आनंद ही आनंद, शुभानंद हो जाएगा यार, एक बार ट्राई पक्का करना यार, ये पाउडर वाउडर छोड़ो ब्लीचिंग पाउडर यूज़ करो, अच्छा ट्रिप दे रहा हूँ। अब दूसरा वीडियो लगाते हैं। हम दम अंगारे हैं हम धड़कन में थोड़ा सा, भाई दोनों हाथ खाली है उनको थोड़ी पता है, नहीं मुझे एक बात बताओ ऐसे कौन चल चल के जाता है, मैं तो ऐसे नहीं जाता यार, नहीं तो वो लोग पहले से ही दूर से ही पत्थर मारेंगे मेरे ऊपर अगर मेरा फाइटिंग हो गया तो, और मैं ऐसा तो बिल्कुल चल के नहीं जाऊँगा। नहीं इनके लिए सिर्फ एक ही लाइन फिट होता है जो कि है अलग नाम लेकिन सेम बकचोदी, अगर तुम लोगों को पता ये लाइन किसका है तो
कमेंट्स में बताओ। और वीडियो मेरे पास इनका नहीं है, मेरा और क्रिंज वाला इनका मिल नहीं रहा है। इधर ये लोग सुधर गए या मेरे को डाउनलोड करने नहीं आ रहा है कोई। यार बता दो यार कैसे होगा डाउनलोड, प्लीज़ यार कोई बता दो कमेंट में, यार कोई बता दो कैसे रील्स को डाउनलोड किया जाता है। मैं और ये सब रील्स का क्लिप तो मैं तो यूट्यूब से उठाया हुआ था, तो यार प्लीज़ यार कोई बता दो, नहीं तो फिर से बोल रहा हूँ, अगर तुमको पता है और कमेंट्स में नहीं बोल रहे हो तो गांड में गोली मार दूंगा। और आज के लिए इतना ही, और यहाँ तक आ गए हो तो लाइक मारो यार, सब्सक्राइब तो पक्का मारो क्योंकि कोई मार नहीं रहा यार, समझा करो यार प्लीज़, बुरा लगता है यार, सब्सक्राइब मारो घंटी के साथ, शेयर करो यहाँ पर जो जो वीडियो देख रहा है वो हर दो बंदे को शेयर करो, और उनको बोलो और दो बंदे को शेयर करने, और फिर ऐसे कंटिन्यू करते रहो साइकिल, ताकि मेरा वीडियो में थोड़ा वॉच टाइम आए और थोड़ा व्यूज़ आए और थोड़ा सब्सक्राइबर आए। और अभी के लिए चलता हूँ, डिंग डिंग चल ढूंढ लाए सारी मासूम सी खुशियाँ।